कानून, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कभी कभी बहुत भयानक फैसला सुना देती है, जबकि आपको लगता है कि इतना खतरनाक क्यों सुना दी, लेकिन उसको पता है कि अगर हम नहीं सुनाएंगे तो ये आगे जाके क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। जबकि आपको लगता है कि इतना खतरनाक क्यों सुना दी, लेकिन उसको पता है कि अगर हम नहीं सुनाएंगे तो ये आगे जाके क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। कानून है। जैसे दिल्ली में एक मैटर हुआ था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है 40 तल्ले की, दो बिल्डिंग, 40 तल्ले की कितनी बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग। एक्चुअली में यहाँ पर दिल्ली सरकार, यहाँ पे ना जो MCD है, दिल्ली नगर निगम, वो यहाँ पार्क बनवाई थी। इसने ठेकेदार ने कुछ पैसा खिला के पार्क हटवा के जमीन लिखवा लिया और इस पे 40 तल्ले की बिल्डिंग बना दिया। चले गए सब जो पार्क, जो वहां के मोहल्ले वाले थे लोग, सुप्रीम कोर्ट में कि पार्क में ही कैसे बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल मुकदमा सुना, कहा कि 40 तल्ले की बिल्डिंग बिल्डर से कहिए गिरा दे और गिराने में जो पैसा आएगा वही दे, पूरा साफ सफाई करा के। आप कहेंगे कि पार्क के चक्कर में ऐसा किया, जज की भी मजबूरी समझिए। अगर वो कह देता कि तुम ऐसा ही पार्क, इससे 100 गुना ज्यादा बड़ा पार्क बनाओ, तो अगले दिन दिल्ली के बिल्डर हर एक पार्क को कब्जाना चालू करते सर, कुछ पैसा देते सर, बिल्डिंग बनाया हो गया, 50 तल्ले की बिल्डिंग खड़ा कर दी। जब तक वो 3 साल तक मुकदमा चलेगा, इधर बिल्डिंग बन रही है, बन के तैयार, उसका वकील क्या कहेगा, बिल्डर का वकील, मिलॉर्ड हमारे बिल्डर से गलती हो गई, करोड़ों रुपए लगा के 60 तल्ले की बिल्डिंग खड़ा कर दिया। 2020 का मैटर याद कीजिए, ऐसा ही एक मुकदमा आया था और आपने कहा था कि पार्क की जगह बना दिए, चलो तुम्हारा पैसा लॉस हुआ, एक काम करो तुम इससे 100 गुना बड़ा पार्क बनाओ। तो महाराज आप ही का न्यायालय अभिलेख होता है, वो एक रिकॉर्ड की तरह यूज होता है, हमारे भी बिल्डर के साथ ना इंसाफी क्यों, अगर उसके साथ ऐसा तो मेरे साथ ऐसा, दिल्ली का सारा पार्क खत्म कर देगा। इसलिए एकदम हार्ड डिसीजन लेता है, एकदम हार्ड डिसीजन। और क्या करेगा, सिंहिया बना के कोनो गांव में बगीचा बना देगा, गांव में पार्क माने कौन चीज, बगीचा। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट को हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं,